अज गुरु रामदास जी की पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब विखे पहुंचे। बड़ी खुशी की गल है एक कि श्री अमृतसर साहब विखे मार्च के दूजे हफ्ते G20 देशों का सम्मेलन हो जा रहा है। असी नीति आयोग की जो मैं मीटिंग करन गया सी उत्थे गृहमंत्री साहब नूं विदेश मंत्री साहब नूं प्रधानमंत्री साहब नूं बेनती की सी कि सानूं यह सम्मेलन दिता जाए। असी मेज़बानी लई जाने जाते हैं पंजाबी ते असी अमृतसर साहब विखे जो कि साडा पवित्र शहर है शहीदां दा गुरुआं दा पीरां दा शहर है उत्थे यह सम्मेलन करना चाहते हैं। उन्होंने सानूं मंजूरी दिती है मार्च 14-15 एजुकेशन इहदा टॉपिक रहेगा। असी सारे जिहड़े G20 मुल्क ने उन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े सरकारां दे मिनिस्टर साहिबान वाइस प्रेजिडेंट साहिबान सारे उन्हां नूं असी दरबार साहब दे भी दर्शन कराने ने। जलियांवाला बाग साडी हिस्टरी दिखाउणी है, वार म्यूजियम दिखाने ने, वाघा बॉर्डर ते लेके जावांगे, खालसा कॉलेज और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जिथे भी वह कहणगे आले दुआले पिंडां 'च भी जाना चाहणगे असं पिंडां 'च भी लैके जावांगे। बड़े वड्डे पद्धर ते G20 सम्मेलन श्री अमृतसर साहब विखे हो रहे हैं। इंटरनेशनल सम्मेलन है तां पूरी दुनिया तो मीडिया भी आऊगा। अज उहदियां तैयारियां संबंधी मीटिंग करन वास्ते मैं इत्थे आई सी ते दरबार साहिब मत्था टेकिया, अरदास कीती है पंजाब दे भले दी, तरक्की दी, तंदरुस्ती दी। दिवाली दियां बहुत बहुत शुभकामनावां सारिआं नूं। परमात्मा करे दिवाली दे दीवे जिहड़े ने उह हर घर दे विच खुशियां दा, तरक्की दा ते तंदरुस्ती दा चानण लै के आउण। ते अज जहेदार साहब अकाल तख्त उन्होंने भी मीटिंग हुई है ते पंजाब दे विच भाईचारक सांझ बनी रहे, पंजाब गुरुआं दे नां ते वसदा है, पंजाब हसदा वसदा रहे, इस तरह के विचार चल रहे हुए हैं। सो तुहाडा मीडिया का बहुत धन्यवाद है कि तुसीं बहुत मान साहब पेशेंसली इन्ना इंतजार किया। अज भी मेरे को सीएम साहब एक जी एक मिनट जो गवर्नर साहब ने कल चांसलर का मुद्दा आया जी, उन्होंने कहा मैं उस दरबार से खड़े जितने से राजनीतिक गल करी सिर्फ पंजाब की तरक्की की अरदास, तंदुरुस्ती की अरदास और भला बख्शे परमात्मा बल बख्शे कि जिड़े जिम्मेदारियां साढ़े लोगों ने उम्मीदा लाइया ने सी उन्होंने पूरा खटखट कलम वाले दस दो